बाबा साहब ने सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एजेंडा डाला था वो था एजुकेट। तो बाबा साहब को फॉलो करते हुए पहला एजेंडा है कि दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में जो भी एससी एसटी बच्चे दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जो क्वालिफाई करते हैं उसमें से 1000 शेड्यूल कास्ट और कम से कम 700 जो है शेड्यूल ट्राइब बच्चों को फुल फ्रीशिप फुल स्कॉलरशिप दिया जाए। दूसरा कि जितने दलित बस्तियां हैं उसमें ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की व्यवस्था हो, और ये एक्सपेरिमेंट इग्नू के माध्यम से पहले हो चुका है जहां तक मुझे याद आ रहा है कि टेलीविजन के थ्रू पढ़ाने का स्कीम था। तो ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम किया जाए, बहुत ही महंगा भी नहीं है, और चूंकि ऑलरेडी लॉकडाउन के दरमियान हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, देख लिया है, ये पढ़ाना आसान है। तीसरा है जितने शहर हैं उसमें 100 दुकानें दलित को, और जहां ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पे सरकार बनवा के इनको 100 शॉप्स उनको दें। चौथा, सप्लाई में जो है सप्लाई डाइवर्सिटी का सिद्धांत लागू हो, और एससी एसटी को जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं इंक्लूडिंग लार्ज प्राइवेट कॉरपोरेशंस उसमें जो है डाइवर्सिटी का फॉर्मूला हो, और उसमें 30% खरीदारी एससी एसटी से हो। पांच, दलित एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए वैसे व्यवसायियों को जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं उनको 1% के इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इसलिए हुआ कि पहले लोन जो मिलता है लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं और फेल हो जाते हैं, बिजनेस फेल हो जाता है, पूरा भट्टा बैठ जाता है। इसलिए जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं व्यवसायी हैं उनको 1% पे लोन दिया जाए। इसके अलावा बहुत दलित का जो पूरा इमेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है ग्लोबली और खास तौर से एनजीओ और जो फंड लोग लेते हैं उनके माध्यम से, कि लगता है कि दलित एकदम निरीह प्राणी है, उसको खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है, इस तरह का पूरा एक इमेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसलिए जहाँ जहाँ भी जो एम्बेसीज हैं दुनिया के बड़े शहरों में एक शोरूम खोला जाए जिसमें कि एससी एसटी का जो इंटरप्रेनर्स हैं या एससी एसटी का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो काम करते हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उसको शोकेस किया जाए। और इसके अलावा सेवेंथ जो है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट को स्ट्रेंथन किया जाए, और कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं उसको नेशनलाइज किया जाए, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मीडिया घराने हैं कि जो कि एक तरह से इंडियन रिपब्लिक पे हल्ला बोल रहे हैं, देश के सेकुलर फैब्रिक को चोट पहुंचा रहे हैं, संविधान को चोट पहुंचा रहे हैं, वैसे मीडिया घरानों को नेशनलाइज किया जाए, उसको जो है सरकार अपने नियंत्रण में ले। ये 7 पॉइंट है दोस्तों, और ये दलित इमेंसिपेशन फ्रंट ये इनिशिएट कर रहा है, लेकिन इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है। जितने साथी सुनेंगे अपने अपने संगठन के बैनर पे ये 7 पॉइंट आप लिख के, और जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं उन सबको कम से कम 10-20 हज़ार चिट्ठी वहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट मेल तमाम ये पहुँचनी चाहिए, ताकि आने वाले चुनाव में ये एजेंडा बन सके। हम लोग एक कोशिश करें कि एक डेलीगेशन भी बनाएं और जितने पार्टीज हैं उनके हेड से मिलें और उनसे अपना बातचीत करें, उनको एजेंडा दें, और इसलिए ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट मिलना। जब तक आप डिमांड नहीं करें, क्योंकि दलित पॉलिटिकल क्लास जो है अभी सीट एडजस्टमेंट में लगा हुआ है, वो अपने घर अपने परिवार को मंत्री बनाने में टिकट दिलाने में लगा हुआ है, और सामाजिक एजेंडा जो दलित मुक्ति का जो प्रश्न है वो सब जो है ना अधर में चला गया, वो सब लटक गया है। जो एक बड़ा मिडिल क्लास बना था पब्लिक सेक्टर यूनिट की वजह से या प्राइवेटाइजेशन की वजह से, एनडीए अलायंस और बीजेपी उसको नेस्तनाबूद कर रही है, दलित को कैशलेस बनाने की कोशिश कर रही है, और दुख की बात है कि उसमें हमारे दलित नेता लोग भी शामिल हैं। तो इसलिए मेरा फिर एक बार आग्रह है कि सब साथी जितने लोग सुन रहे, अपने अपने संगठन पर रजिस्टर्ड पोस्ट सारे पॉलिटिकल पार्टी के जितने नेता हैं, इंडिया अलायंस के नेता हैं, उनको जरूर भेजें, और हम लोग जब भी डेलीगेशन मिलेगा हम लोग उसकी प्रेस ब्रीफिंग आपको करेंगे, आपको पहुंचाएंगे। ये लड़ाई व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं है, सामूहिक मुक्ति का है। चुनाव जो लड़े, लेकिन अब मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल्स को, रिसर्चर को, इंटेलेक्चुअल को लीडरशिप कमान संभालनी चाहिए, विश्वविद्यालय से लीडरशिप उभरने चाहिए, जो इन मुद्दों को समझे, जो इस मुद्दों को हाईलाइट करें। अब मैं सूरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि संक्षेप में जरा इस पे बोले। सूरज जी सदानंद कॉलेज में पढ़ाते हैं। जी सूरज जी। जय भीम। मैं सबसे पहले दलित इमेंसिपेशन फ्रंट को बधाई देता हूं, क्योंकि दलित एजेंडा पर उस केंद्र बिंदु को लाना जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो पूरे के पूरे समाज को एक ऊपर उठाने में, उनको जागरूक करने में, उनको बेहतर जिंदगी देने में एक महत्वपूर्ण एक एजेंडा तैयार करे,
ये बड़ी बड़ा काम इन्होंने किया है। मैं समझता हूँ इसमें ओबीसी के लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि जो इन्होंने पॉइंट्स गिनाए, चूँकि मैं मंडल कमीशन को पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स इस ओबीसी के संदर्भ में मंडल कमीशन रिपोर्ट में शामिल है, लेकिन दुर्भाग्य से दलित एजेंडा पर ये लोग प्राइम फोकस पे नहीं थे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये प्राइम फोकस पे आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं अगर उनको विपक्ष उठाएगी नहीं, उनकी बात सुनेगी नहीं, तो उनको अपने आप को आगे लाने में और इस बड़े राजनीतिक साजिश जो ईवीएम के माध्यम से पूरे देश पे छाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, उनका मुकाबला करने में वो सक्षम नहीं रहे। मैं पुनः बधाई देता हूँ डॉक्टर रतनलाल और चंद्रभान प्रसाद जी। जी चंद्रभान जी, यस, अब आप आंकड़ों के साथ आए हैं और ये 7 पॉइंट, कई सवाल उठने की 7 पॉइंट ही क्यों? जी हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये आपके समक्ष मैं कुछ 2-3 मिनट के भीतर, यह अब तक आजादी के बाद से जी, या बाबा साहब के बाद से दलितों को क्या मिला है और उसके बाद क्या हुआ है, इस पर 2-3 मिनट में लेना चाहूँगा। हमें बाबा साहब के संघर्ष के वजह से एजुकेशन में अधिकार मिला, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन। इसी एजुकेशन और नौकरी से, सरकारी नौकरी से दलित समाज में बाकी सब बाई प्रोडक्ट निकले। मसलन जब दलित समाज पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी में आया तो जय भीम कहना सीखा, नमो बुधाय कहना सीखा, घर में कार, बाइक, एसी वगैरह आई, दलित संगठनों को चंदा देने वाला एक दलित क्लास पैदा हुआ। जितने भी दलित संगठन हैं, जितने भी दलित पार्टियां हैं, वह दलित कर्मचारियों और ऑफिसर्स के चंदे पर बनी और उन्हीं के चंदों पर चलती हैं। और दूसरा अगर कोई कारक है दलित समाज में उत्थान का, तो जो गांवों में दलित हैं जिन्होंने शहरों की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ दलित विद इन 2-3 decades हैव माइग्रेटेड टू इंडस्ट्रियल टाउन्स, और उनकी जिंदगी में सुधार आया है, उनको जमींदारों से मुक्ति मिली है। अब फ्यूचर दलितों का क्या है, क्योंकि नौकरी, सरकारी नौकरी ही मेन ट्रिगर रहा है दलित चेतना में, दलित संगठनों के बनने में, दलित राजनीतिक पार्टियों के बनने में, तो फ्यूचर क्या है? मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज सेंट्रल, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में है, इसमें इस समय जिसमें 17 लाख हाईली पेड जॉब हैं, तो 17 लाख में अगर आप 17 लाख में 15% निकालें तो 17 में 15 हजार का गुणा कर दीजिए तो देखिए 2.25 लाख। हाँ, और हर एक दलित नौकरी जो करता है उससे 5 से 10 दलित परिवार आगे बढ़ते हैं। अभी इस समय 36% जो इम्प्लाईज और ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, जिनकी संख्या 248-260 है, 36% इसमें एडहॉक हैं और 6.6% डेली वेजर्स हो गए हैं, यानी 42.5% पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट इस समय परमानेंट नहीं है। मेरा जो इस्टीमेट है, अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ जाती है तो 5 साल में ही ये 75% हो जाएगा एडहॉक एंड ठेके पर नौकरी। तो फिर दलित समाज का फ्यूचर आने वाले 2035 तक क्या होगा, जब नौकरियों की संख्या इतनी बड़े पैमाने पर समाप्त हो जाएगी और जो लोग अभी नौकरी में हैं उनकी पेंशन नहीं मिलेगी। दू,
दूसरा दलितों का मतलब दलितों का जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है वो प्राइमरी स्कूल। टेलीग्राफ अखबार मई 9 2022 की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत में वर्ष 2019 और 20 के बीच 51,000 स्कूल सरकारी नियंत्रण के देश भर में बंद हो गए। हर साल ज्यादा हो गया, ब्लॉक पार कर गया। नहीं, अब हर साल में ये हो रहा है 10,000 15,000। तो 2035 तक जो स्कूल की संख्या कितनी बच जाएगी, मैं समझता हूँ कि शायद 80% खत्म हो जाए। तो 80% जो घर घर दलित परिवारों में स्कूल में लोग टीचर बने हुए हैं, उन परिवारों के फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा। तीसरा मैं दिखाना चाहूँगा रेलवे। 2004 में 13,33,000 रेलवे में शेड्यूल कास्ट के, सिर्फ शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इम्प्लाई और ऑफिसर्स थे। 2023 में करीब 1,00,000 घट गए, और मेरे पास डेटा नहीं है कि अब 12,33,000 हैं इसमें कितने एडहॉक पर हैं। इसमें ऐसा संभव है कि 2,000-2,00,000 लोग से 2,50,000 लोग एडहॉक पर हैं। तो रेलवे, स्कूल्स, दलित समाज के इम्प्लाइज पैदा करने में बड़ी भूमिका रही है। पोस्टल सर्विस तो खैर अब जा ही रही है, वो भी बहुत बड़ी बहुत बहुत बड़ा स्रोत था दलित एम्प्लॉयमेंट का। तो ये सब अगर घटता गया तो 2035 तक दलित समाज की स्थिति कैसी होगी, इस बात को सुन करके मुझे बहुत ही भय लगता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2035 तक दलित विकास स्वाहा हो जाएगा। अब सवाल है कि इसको इसमें हम लोगों को क्यों आने की जरूरत पड़ी। बहुत ही सिंसियरली मैं ये सोचता हूँ कि जो दलित पॉलिटिकल क्लास है उसने दलित समाज को बिट्रे कर दिया है। और जैसा डॉक्टर रतनलाल साहब कह रहे थे कि अब यूनिवर्सिटी क्लासरूम से यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स को दलित मूवमेंट में आगे आना चाहिए, क्योंकि दलित पॉलिटिकल क्लास ने दलित आंदोलनों को बेच दिया है, खा गए हैं, समझौता कर लिया है, उनसे कोई उम्मीद करना आत्मघाती होगा। तो अभी हमें बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकारों को रीस्टोर करना होगा, यानी जो खो गया है उसको रीस्टोर करना है और उसमें कुछ ऐड करने हैं, क्योंकि हम सब लोग डॉक्टर अंबेडकर के मेहनत के वजह से आज अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ बैठे हैं। तो आपने जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि सात ही पॉइंट क्यों, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। एक बहुत विश्व प्रसिद्ध नी हड्डियों के डॉक्टर हैं लखनऊ में, बहुत दानी भी हैं वो, उनका कहना है कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी सरकार की मोनोपोली होनी चाहिए। एक ऑस्ट्रेलिया से हैं, उनका कहना है कि सारे दलितों का मैंडेटरी वो पासपोर्ट बनाना चाहिए ताकि ये विदेश भागें, और ये बहुत सारे लोग बहुत सारा सुझाव दे रहे हैं, लेकिन साथ ही क्यों। तो देखिए, अगर आप ठीक से अध्ययन करें, इतिहास के पन्नों पर जाएं, तो व्हील के आविष्कार यानी पहिए के आविष्कार से सभ्यता शुरू होती है, मानव सभ्यता। जब पहिया बन गया तो एक सभ्य युग में हम प्रवेश कर गए। जब स्टीम इंजन बना तो औद्योगिक क्रांति हो गई, जीवन के हर पहलू को स्टीम इंजन ने प्रभावित किया। और जब आइंस्टाइन का जो फार्मूला आया E=mc²2, तो पूरा विज्ञान बदल गया। और जब से इंटरनेट आया है, और ख़ास तौर से उसके बाद जो इसमें आया है, जो है बैंकिंग का सिस्टम, दुनिया मोबाइल में है, तो इससे यह बना था ओरिजिनली बात करने के लिए कि आप घर से बाहर हो तो ऐसा टूल हो कि आप घर के बाहर से भी बात कर सके, इसलिए मोबाइल फोन कहा गया इसको। पर
पर इसने आपके जिंदगी के तमाम पहलुओं को छुआ। तो उसी तरह से ये 7 पॉइंट जो बनाए गए हैं, इसका इससे हमारे जीवन के सारे पहलू प्रभावित होंगे। जिस तरह से एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेंड करते हैं, उसी तरह से इन 7 प्रश्न जो हमारे हैं, ये हमारे हर जीवन के, जैसे एजुकेशन और वोटिंग राइट, हाँ दो ही चीज़ ने पूरे दुनिया बदल दिया, दलितों की दुनिया बदल, यस। अब सवाल है कि कोई यह कह सकता है कि 1700 दलित और 700 ट्राइबल बच्चों को विदेश में पीएचडी करने के लिए या बीए करने के लिए, बीएससी करने के लिए, एमएससी करने के लिए भेजा जाए, तो प्रसाद जी इतना पैसा क्या हमारे पास है? यह सवाल कई लोग खड़ा किए हैं। तो अगर 1700 दलितों को विदेश अगर पढ़ने के लिए भेजा जाए, तो 1 स्टूडेंट पर 2 करोड़ होता है, और मैं नहीं समझता कि IAS अफसर भी 2 करोड़ रुपए देकर अपने बच्चों को विदेश पढ़ा सकते हैं। तो 1 स्टूडेंट पर 2 करोड़ खर्च होगा 4 साल के ग्रेजुएशन की डिग्री पर। तो 1000 शेड्यूल कास्ट का, 700 ट्राइबल का, ये तो कम से कम है, एक मानक लिया गया है, हाँ, जो बढ़ भी सकता है। तो 1700 लोगों की पढ़ाई पर जो पैसा खर्च होगा वह है 3400 करोड़। मान लिया कि एक सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो 5 साल का क्या होगा गणित? तो 1700 अगर 5 साल तक ये दिया जाए, तो 8500 स्टूडेंट्स विदेश पढ़ने जाएंगे। इस पर कुल खर्च आएगा 17000 करोड़। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की पूरी डिसिप्लिन समाप्त हो गई है। किसी को स्कॉलरशिप 11 में मिलती है, किसी को 12 में मिलती है, किसी को कम मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है। पहले हम लोग समय जब देश गरीब था, पैसे नहीं थे, जब हाईवे नहीं बन पाते थे, तो स्कॉलरशिप साल में 2 बार मिलती थी, समय से मिल जाती थी स्कूल में, और 100% फ्री शिप। तो अभी इस साल के बजट में स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है 7494 करोड़ SC ST को मिला करके, 6349 करोड़ शेड्यूल कास्ट के लिए, 1145 करोड़ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो ये हो गया 7494 करोड़। हम ये कह रहे हैं कि हर दलित को विदाउट इनकम सीलिंग मांगे स्कॉलरशिप दी जाए, फ्री शिप दी जाए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट में, तो कुल खर्चा आएगा 14998 करोड़। 779 जिले हैं, 797 हाँ, करीब 800 जिले कर सकते हैं। अगर हर जिले में 100-100 कमर्शियल दुकानें खोल करके या छोटे छोटे माल खोल करके दलितों को दिए जाएं बिजनेस करने के लिए, तो जैसे पहले वाला था 50-50 स्टेट 50% 50% राज्य करेंगे, तो ये पूरा खर्चा आएगा 49850 करोड़। और 10000 करोड़ रखा जाए दलितों को बिजनेस लोन देने के लिए 1% पर। अभी हमने जो आपका रुचि गुप्ता का मेल भेजा है, सरकार 100 करोड़ तक का लोन देने जा रही है प्राइवेट टेक्नो सेक्टर को, जो इंटरेस्ट फ्री है। तो बड़े लोग जो हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, उनको 0% पर अगर लोन मिल सकता है, तो शेड्यूल कास्ट को क्यों नहीं, जिनको हजारों सालों से रुपया छूने पर अपराध माना जाता था। तो रुचि गुप्ता के आर्टिकल में लिखा गया है कि 100 करोड़ का गवर्नमेंट ने एक नया बजट में, ये 3-4 महीने का बजट है, इंटरिम बजट है, तो अगर 100 महीने का 100 करोड़ का रुपया ऐसे दे दिया गया, आप जाके इस सेक्टर में इनोवेशन करिए और आगे बढ़ाइए, तो जो हमने जो कैलकुलेट किया है जो इस 3-4 योजनाओं पर, तो ये कुल
कैलकुलेशन करने पर जो है 75,000 करोड़ आ रहा है 1% इंटरेस्ट पे। नहीं नहीं, ये सब विदेश जाने में 17,000 करोड़ टोटल, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हर एक को मिले बिना इनकम टैक्स के सीलिंग के तो 14,988 करोड़, 7,000 जो हर जिले में 100-100 दुकानें बने, यानी कि जो 800 जो टोटल 1,00,000 करोड़ के आसपास मान, ये 39 करोड़ उन पर लग रहा है 39,000 करोड़। और बैंक लोन जो देना है 0% इंटरेस्ट पर, इसमें मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। और मैं आप एजुकेशन में ही एक और जोड़ना चाहूँगा कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हॉस्टल्स की इतनी दयनीय स्थिति होती है कि उनका टॉयलेट आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका पेट खराब हो। तो ये इस पर 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ रुपए लगाए जाएं पूरे देश में, और टाटा जैसी किसी बड़ी कंपनी को दिए जाएं कि इन हॉस्टल्स को जैसे IIT वगैरह या यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल होते हैं उतना सुंदर बना करके हमको सौंपो। और 10 विद मेस फैसिलिटी, विद मेस फैसिलिटी जैसे मध्य प्रदेश में है दिग्विजय सिंह के राज्य में, जहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर जितना भी खराब क्यों ना हो लेकिन ये सर्व होता है, टूथपेस्ट टूथब्रश नहाने का साबुन कपड़ा धोने का साबुन बेड बेडशीट तकिया ये सब मिलता है उनको। तो अगर मध्य प्रदेश जैसे लोग सोचते हैं गरीब राज्य हो सकता है तो बाकी जगह क्यों नहीं हो सकता है। तो इसका पूरा खर्च जो है 1,320 करोड़ आता है। अब सवाल ये है कि अरे बाप रे इतना बड़ा पैसा कहाँ से आएगा। तो आपको हम ये बता दें कि इसी जो है बजट में सरकार ने SC ST को मिला करके हम समझते हैं कि करीब 250 करोड़ रुपया अलाट किया है, 250 से ऊपर। अब वो कैसे पैसा खर्च होता है, ये जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है उसमें भी 30,000-20,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। मैं 20 साल से पूछ रहा हूँ कि कोई मुझे ये समझा कि देखिए स्पेशल कंपोनेंट का पैसा कैसे खर्च होता है। या वन ऑफ द उस जमाने में मजदूरी मिलना भी एक बड़ी बात थी, तो यह एक नोशनल फंड है कि हर मिनिस्ट्री को इतना परसेंट हम इतने करोड़ रुपये दे रहे हैं, ये जो भी काम कराएंगे अपने एरिया में उसमें दलित मजदूरों को भी काम मिलेगा। इसका कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो ये देने वाले हैं स्पेशल कंपोनेंट प्लान में, जब उसका सब प्लान नाम रख दिया गया है, उन्हें मालूम है कि इससे दलितों का कोई लेना देना नहीं है, कोई भला होने वाला नहीं, लेकिन इसी नाम से कुछ इनको दे दो ताकि इनमें संतुष्टि बनी रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे समाज में कि कई बार यूनिवर्सिटी आपको छोड़ करके 5 दलित कैंडिडेट हैं जो सबसे ब्राइट होगा उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, जो थोड़ा सा धुला मुला कुछ धुलमुल टाइप का है उसी को ले लेते हैं। तो शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल कास्ट के कुछ थिंकर्स इकोनॉमिस्ट स्कॉलर्स की सहमति भी थी होनी चाहिए कि ये पैसा आप हमारे हमको जो हम नहीं मांग रहे हैं हमको क्यों दे रहे हो, जिसकी हमने डिमांड नहीं किया। तो उसी पैसा को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक्सपेंडिचर पूरा हो सकता है, पूरा हो जाएगा। तो ये जो है कोई एडिशनल कॉस्ट भी नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अरे आप जो है कितना 11,00,000 या 25,00,000 करोड़ रुपया माफ हुआ है उद्योगपतियों, 24,00,000 करोड़ नरेंद्र मोदी सरकार के, अभी मैंने पढ़ा एक वीडियो देखा कि पिछले 9 साल में माफ हुआ है, मनमोहन सिंह सरकार में उस समय कितना 3,00,000-3,50,000 करोड़ था। तो ये सब पैसा अगर इन सब चीजों पर खर्च हो सकता है तो दलितों का पैसा दलित योजना कारों के सहमति से खर्च होना चाहिए ना। हमने जो चीज मांगा नहीं आपने हमको दे दिया। हम 1966 में शायद प्राइमरी स्कूल में गए होंगे, तो उस समय कौन सा मिड डे मील स्कीम चल रहा था, उसी प्राइमरी स्कूल से लोग डॉक्टर बने इंजीनियर बने मैं यहाँ तक पहुँचा। तो अब सरकारों का फोकस दलित के पेट को भरने में है, दलित के दिमाग को बढ़ाने में नहीं है। तो एक बात यह हो गई, अगर सरकार हमें मालूम है कि जो अभी सरकार है बीजेपी की
बीजेपी की सरकार है जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके जब चल रही है, अमृत काल आ गया है, हमें मालूम है अमृत काल में जो मंथन हुआ था तो किसको क्या मिला, तो ये तो देने वाली नहीं है, लेकिन कभी न कभी इनका अंत होगा, तो जो इनको रिप्लेस करेगा उसे तो मालूम हो कि ये दलित समाज क्या हमसे उम्मीद कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, क्योंकि दलित का वोट लिया है और हजारों सालों से दलितों को धन दौलत इकट्ठा करने का अधिकार नहीं रहा है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, मॉडर्न स्टेट की, रिपब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पर सबसे बड़ी हैरत की बात यह है डॉक्टर साहब, क्या दलित समाज में इसकी डिमांड है? इसीलिए तो हम लोग हम क्यों यहाँ पर बैठे हैं जब दलित समाज में इसकी कोई डिमांड ही नहीं है? कैसा आपका दलित समाज है, कैसा आपने मिडिल क्लास खड़ा किया है, जहां पर इसकी डिमांड नहीं है कि अगर महाराष्ट्र के सरकार 75 दलितों को हर साल विदेश भेज सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं भेज सकती है? क्या ये तमाशा मत बना रखा है आपके समाज ने? तो अगर आपका समाज ही नहीं चाहता है तो फिर दूसरा क्यों करेगा? कांग्रेस को तो लोग बोलते हैं ओपनली हमसे, हम प्राइवेट में, अगर इस समाज ने बाबू जगजीवन राम को गद्दार और क्या क्या गालियां दिया, नेहरू को बोला ये मनुवादी है, इंदिरा गांधी जी इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो कांग्रेस पार्टी ने ही उसको उनको बर्खास्त कर दिया, तो बाबू जी साथ आए तो उन्होंने अपनी मेजोरिटी सिद्ध किया और प्राइम मिनिस्टर बनी रही। जिन्होंने जो है लैंड पट्टा 1975 में हर भूमिहीन दलितों को दिया तो वो भी मनुवादी है, तो राजीव गांधी भी मनुवादी हैं जिन्होंने स्पेशल कंप्लेंट बना करके जिन्होंने स्पेशल भर्ती योजना करके हजारों हजार दलितों को नौकरी दिया है। नरसिम्हा राव तो चलो ब्राह्मण हैं तो मनुवादी होंगे ही, ये सरदार जी भी मनुवादी, मनमोहन सिंह साहब जिन्होंने 2000 नौकरियाँ फेलोशिप हर साल ग्रांट किया। चलिए तो बेसिक बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दलित उत्थान का काम पिछले 40-50 वर्षों में हुए, बीजेपी एनडीए सरकार उसको नेस्तनाबूद कर रही है। बिल्कुल, इसलिए ये पूरा मेमोरेंडम ये जाएगा इंडिया अलायंस ग्रुप को और हम लोग मिलेंगे भी। और फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जितने साथी सुन रहे हैं, अपने अपने बैनर पे, अपने अपने पैड पर, ये कोई हमारा कॉपीराइट नहीं है, पूरे समाज का मसला है। चंद्रभान जी की शिकायत जायज है कि इतने सारे लाखों संगठन है कि लाखों संगठन की तरफ से कोई मेमोरेंडम नहीं जाता है ना, कोई डिमांड पत्र नहीं जाता है, कोई घोषणा पत्र नहीं जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि जितने लोग इसको देखेंगे, 50-100 रुपया खर्च करके रजिस्टर्ड पोस्ट सारे पार्टी के, इंडिया अलायंस के सारे पार्टी के अध्यक्षों को, और जो इनसे सहमति रखते हैं उनको आप जरूर भेजिए, तभी जाके ये ताकत बल मिलेगा। अगर नहीं आप इसमें अगर एक्टिव हुए तो आने वाले समय में अगर ये सरकार रिपीट की तो जितना कोट टाई है वो सब उतर जाएगा।